Good morning, students. Now we are going to start exercise 7.1 from question number 5. Question 5. Factorize the following expression completely. इसका फैक्टराइज करना है 44x² इन अ ब्रैकेट 4x माइनस 6y। आप पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 44 का फैक्टर करेंगे ऐसे 2 2s are 4, 2 2s are 4, then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11 1s are 11। और इसमें भी देखो 4 और 6 में भी 2 कॉमन है, तो आप यहाँ पर 2 राइट करेंगे, तो नंबर को हमेशा जो है ना कोई भी अननोन नंबर से पहले लिखते हैं, तो इसका भी 2 जो कॉमन मिल रहा है इसको भी हम बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले इसका लिख लीजिए 2 into 2 into 2 into 11, a2 इसका हो जाएगा और a इसका हो गया 44 का, ठीक है। उसके बाद x² इन अ ब्रैकेट 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 2s are 4, 2x माइनस 2 3s are 6, 3y। ऐसे भी राइट कर सकते हो या आप चाहें तो इसको अलग अलग भी राइट कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 44 का फैक्टर कर दिए 2 into 2 into 11, उसके बाद हुआ x² में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x², उसके बाद इसमें से फिर 2 कॉमन ले करके आप इसको लिख सकते हो 2 2s are 4, 2x माइनस 3y। उसके बाद फिर आपको एक लाइन और बढ़ाना पड़ जाएगा, अरेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 11 x² इन अ ब्रैकेट 2x - 3y। इस 2 को क्या करेंगे, इसके साथ अरेंज करेंगे, इसमें एक लाइन आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं, ए हो गया आपका ए नंबर, देन बी 10 इन ब्रैकेट 16xy प्लस 24y², तो इसका फैक्टर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 2 5s are 10, 2 into 5। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, आप देख रहे हैं 4 कॉमन मिल रहा है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, या 8 से 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 आप कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 और y भी कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 2x प्लस 8 3 जा 24, 3y। अब 8 का फैक्टर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 into, अब 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 टाइम्स 2 राइट करेंगे, 2 into 2 into 2 into 5 into y इन अ ब्रैकेट 2x + 3। अरेंज दिस नंबर्स, 2 8 का फैक्टर हो गया, 2 2s are 4, 2s are 8, 10 5, उसके बाद y इन अ ब्रैकेट 2x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, सी में x³ y² पॉलीनोमियल, ये मोनोमियल है, इसमें कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको केवल क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट फैक्टराइज करना है, तो x into x into x into y into y into y, ऐसे 4 टाइम्स राइट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी बी नंबर,
क्वेश्चन नंबर 5 पर डी लिखेंगे माइनस 15 इन एंट्री के एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस 3 × 15 3 × 5, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x वन टाइम है यहाँ पर टू टाइम है, तो एक वन टाइम x कॉमन ले लिए, y भी वन टाइम कॉमन ले लिए, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर आपका, हमें एक बचा x और प्लस y, यहाँ पर इंटू का भी साइन दे सकते हैं x इंटू y, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं x इंटू हमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें सिखाए गए फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सएफ आफ्टर 120 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस 50 एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 30 एक्स क्यूब वाई क्यूब देखेंगे 120, 50 और 30 का एलसीएम फाइंड, एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 120, 50 और 30 का निकालना है, तो 52 × 100 20 आया, 50 से डिवाइड किए 22 × 40 3 आया, 20 लाया, 3 × 20 आप क्या बचा है 30, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दिए, 3 × 3 = 30, आप इससे पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास, यू हैव ऑलरेडी रीड, एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 3, तो आप वो 3 एस का एचसीएफ मिल गया। अब आप इसमें से कॉमन देखें कि कॉमन क्या है, तो इसको सभी को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 120, 50 and 30 is 10. तो 10 एसएफ हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका एसएफ देखिए, इसमें एक्स 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 3 टाइम्स है, तो कॉमन क्या मिला, एक एक्स। वाई को देखिए, वाई 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, 3, तो वाई स्क्वायर मिल गया। जेड को देखिए, जेड 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो 1 टाइम एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉमा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज, क्या क्या मिला था, एक एक्स मिला था, वाई स्क्वायर और जेड भी 1 टाइम, तो इसका टोटल एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इवन नंबर इज 10 एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, 10 एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब आप क्या करेंगे, इसको 10 एक्स वाई स्क्वायर जेड से सब में डिवाइड कर दोगे, तो पहला नंबर क्या है, 120 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसको डिवाइड कर देंगे आप 10 एक्स वाई स्क्वायर जेड से, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे 50 एक्स वाई स्क्वायर जेड बाय 10 एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड को एक्स वाई स्क्वायर जेड से डिवाइड कर दिया, फिर आप क्या बचा है 30, तो माइनस 30
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर। एलसीएफ से डिवाइड कर दिया आपने, तीन एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब जो बचता जा रहा है उसको लिखते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टेन कॉमन ले लेंगे है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तो टेन से डिवाइड किए तो टेन में जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, क्या बचेगा आपका ट्वेल्व। तो आप इसको राइट कर सकते हो ट्वेल्व एक्स, एक एक्स बचा, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपका ट्वेल्व एक्स है टेन वन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जेड क्यूब है, सॉरी तो जेड ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, या यहाँ पर आप टेन एक्स वाई स्क्वायर ना जेड इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन का मतलब वही होता है कि भाग देना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि कॉमन ले लिए और जो बचता जा रहा है उसको लिखते जाएंगे, तो क्या बचा यहाँ पर देखिए टेन एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये ब्रेकेट में बचेगा टेन जा टेन, टेन टू जा टेन, एक्स एक्स बचा ये वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड दो बार बचा जेड स्क्वायर प्लस टेन फाइव जा फिफ्टी फाइव, एक्स वाई स्क्वायर जेड पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है ना, तो आप इसको पूरा कैंसिल लिख देंगे ना, माइनस टेन टेन थ्री जा थर्टी, एक्स टू टाइम्स, वाई बचेगा वन टाइम और जेड बचा टू टाइम्स है तो एक बार, ए थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड, इट इज योर आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सिक्स की जो है रिमेनिंग सम्स को कर सकते हैं। या एक और देख लीजिए, इसको बता देते हैं बी नंबर, बी नंबर में रह कर सकते हैं 54 ए बी क्यूब ए बी क्यूब माइनस 81 बी सी स्क्वायर प्लस 27 ए स्क्वायर सी क्यूब। तो आप इसमें से देख रहे हो कॉमन निकालो, तो 27 टू जा होता है 54, 27 थ्री जा 81, इट मीन्स 27 जो है इसमें से कॉमन हो गया। अब देखो ए ए इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, बी इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो डिवाइड करते जाइए 27 टू सा 54 टू आ गया, ये हो गया ए बी क्यू प्लस 27 थ्री जा 81 ए आपका हो गया बी सी स्क्वायर प्लस 27 कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर सी क्यू। ऐसे भी आप राइट कर सकते हो ना, या आप चाहो तो यहाँ पर लेट्स भी सकते हो कि एलसीएम ऑफ है ना, ऐसे कर सकते राइट कर सकते हैं एलसीएम ऑफ 54 कॉमा 81 कॉमा 27 इज 27 उसके बाद 27 कॉमन राइट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स के दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, फैक्टराइज अ पॉलीमराइजेशन बाय द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, इसको रीग्रुप करना है, जैसे 10 एक्स माइनस 4 वाई माइनस 25 एक्स प्लस 10 वाई, इसमें एक्स एक्स को एक पास करेंगे, वाई वाई का ग्रुप एक साथ बनाएंगे, तो लिखेंगे इसे 10 एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 4 वाई प्लस 10 वाई, ग्रुप बन गए एक्स का और वाई का। उसके बाद अब इसको माइनस कर दो, टेन में से 25 एक्स माइनस करेंगे तो निगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, सो यू विल टेक द निगेटिव साइन ना माइनस, अंडरस्टैंड,
and 5. Yes. So sorry. The TM 25 minus TM कितना हो जाएगा? 15. 15. Yes. यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन लेंगे. टेन में से फोर को माइनस कर दिए 6y. अब इसके बाद कॉमन ले लो 3 5 15, 3 2 6, तो माइनस 3 कॉमन हो जाएगा. तो 3 5 15 5x ना, माइनस और प्लस से हो जाएगा ये माइनस ना, 3 2 6 2y. इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर क्वेश्चन नंबर 7a. Then question number 7b. 12ab square. ab square plus 30a square b minus 4a cube b to the power of 4 minus 10 a to the power of 5 and b to the power of 4. अब इसमें से देखो क्या कॉमन मिल रहा है. ये है आपका a square b का पावर और यहाँ पर आपको a square b square मिल सकता है कॉमन. तो इसमें से कॉमन आपको राइट करना है तो आप कॉमन इसका राइट कर सकते हैं ना. हम इसको कॉमन ले लेते हैं 4a square. 4 वाले को लीजिए तो कैसे माइनस करेंगे a square b. कोई कॉलम इक्वल नहीं है इसमें, देख रहे हैं ab square a square b a cube b power 4 minus 3 a power 5 b power 4. तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप इसको लिख लीजिए 4a square. ये कॉमन ले लेंगे प्लस 5b. तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा देखिए 4 3 12, यहाँ बचा 3 और यहाँ आगे क्या बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर कि पूरा ही कॉमन निकल गया 4a square प्लस 5b. तो आपका क्या बचा 4 3 12. ये a square और b ये दोनों ही इसमें से कॉमन निकल जाएगा ना. तो इस तरह से आप इसको कॉमन ले सकते हो ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 12x माइनस 4y प्लस 18z. इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 6 12, 2 2 4, 2 9 18. तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 6 12, 6x माइनस 2 2 4, 2y plus 2 9 18, 9j. You will get your answer. Question number 8 first. B number 44x square y minus 28xy3 प्लस 16xyz. हाँ हो गए. अब इसमें से कॉमन लीजिए तो 4 से देख रहे हैं 4 से कट जा रहा है दोनों. 4 1 4 4 1 4, 4 7 28, 4 4 16. तो आप इसमें देख रहे हो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लीजिए. x 2 टाइम है यहाँ पर, 1 टाइम है यहाँ पर, 1 टाइम है तो 1 टाइम x कॉमन हो गया. y को देखिए y 1 टाइम है या 3 टाइम से यहाँ पर 1 टाइम है तो 1 टाइम देंगे. z है ही नहीं कॉमन छोड़ देंगे. तब इसको डिवाइड करते थे 4 1 4 4 1 4 11, 1 रिमेन हुआ x, y कैंसिल हो गए माइनस 4 7 20, x x कैंसिल हो जाएगा, y 2 टाइम्स बचा तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4 4 16, 4 x y कैंसिल z रिमेन हियर 4j. नेक्स्ट सी नंबर
9x स्क्वायर माइनस 27x क्यूब प्लस 36x टू द पावर ऑफ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचा आपका 9 9 3 27 9 4 36 इसमें एलसीएम ऑफ 9 27 प्लस 36 इज 9 x 2 टाइम्स x 3 टाइम्स x 4 5 टाइम्स तो 2 टाइम्स कॉमन हो गया तो 9 से कंप्लीट कट गया तो 1 माइनस 9 3 जा 27 3x प्लस 9 4 जा 36 4x पावर 3 क्या बचा 1 माइनस 3x प्लस 4x पावर 3 इन दिस वे यू कैन डू द रिमेनिंग सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 Next tomorrow, you will do 7.2. Test will be held on 26th August. Thank you, students.